बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट स्टेप पार्ट तक हमने कर लिए थे। आज हम 11 पार्ट की तरफ आते हैं और 11 पार्ट में आप देख रहे हैं कि आपके पास जो एडिशन है वो इन द फॉर्म ऑफ ऑक्टल सिस्टम है। बेस 8 में आपके पास इसकी एडिशन है, अब आप इसको ऐड करें। बेस 8 में जैसे आपने बाइनरी में ऐड किया है, जैसे आपने बेस 5 में ऐड किया है, इस तरह उसी तरह आपने बेस 8 में आपने ऐड करना है। तो आप 5 6 3 1 ऊपर लिखें और 2 4 5 6 इसको नीचे लिखें और इसको देखें आप ऐड कैसे करेंगे। अब आपने ऑक्टल सिस्टम को ये पढ़ा है कि ऑक्टल सिस्टम में जो डिजिट होते हैं वो 7 तक होते हैं, 0 से लेकर 7 तक। इसमें अगर आपके पास 8 या ग्रेटर देन 8 आ जाता है, 8 या ग्रेटर देन 8 आ जाता है, तो आपने उसे बेस 8 में चेंज करना है, ऑक्टल सिस्टम में चेंज करना है। कैसे करेंगे आप देखें, यहाँ पे 6 को 7 में ऐड कर रहे हैं, 7 देखें वो 8 से छोटा है, तो इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो ये 7 का 7 आ गया। 5 + 3 8 आ गया। अब 8 में देखें डेसिमल, ऑक्टल सिस्टम में 8 नहीं आता, 8 को आप 8 के निजाम में चेंज करें तो ये 10 आ गया, 0 यहाँ पे और 1 पे। 4 + 6 = 10, 10 + 1 = 11, ये भी 8 से ग्रेटर आ रहा है, तो 11 को भी 8 के बेस में चेंज करें, 8 बनता रहे और 3 यहाँ पे कैरी है, सॉरी 3 इसका रिमाइंडर है, तो 3 यहाँ पे और 1 इसमें आप कैरी कर रहे हैं। 2 + 5 = 7, 7 + 1 = 8, 8 को आपने सिस्टम में चेंज किया है तो 1 0 और साथ इसका बेस 8, ये इसका आपके पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह से फिर इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में 7 5 4 1 ये भी ऑक्टल सिस्टम में है लेकिन माइनस में है, 5 6 7 5 5 6 7 5 और ये भी ऑक्टल सिस्टम में है, तो इनकी अब देखें सब्ट्रैक्शन आपने करनी है। तो आप 7 5 4 1 को ऊपर लिखें, 7 5 4 1 बेस 8 और 5 6 7 5 बेस 8। तो आप इसे देखें, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे आपने बाइनरी में देखा या बेस 5 में देखा कि देखिए अब आप 1 में से 8 नहीं निकाल सकते, 1 में से आप 5 नहीं निकाल सकते, तो ये आपको यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, ये 1 इसे देगा। आप डेसिमल सिस्टम में ये कहते हैं कि 1 इधर आ गया तो ये 11 हो गया, 11 में से 5 निकाल दो तो आप 6 हो जाएगा, लेकिन हमारा डेसिमल नहीं है, हमारा बेस ये 8 है, ऑक्टल का सिस्टम है। तो आप यहाँ से जब इधर 1 कैरी कराएंगे इसे 8 कैरी कराएंगे, तो 8 + 1 यहाँ पे आपके पास रह जाएगा फिर 3, क्योंकि 4 ने 8 इस नंबर से दे दी है, तो 8 इधर गया है, तो 8 + 1 9 9 में से 5 निकाल देते हैं आप, तो 4। अब 4 ने 1 नंबर इधर कैरी करवा दिया था, तो 4 के बजाय यहाँ पे रह गया 3। अब 3 में से हम 7 नहीं निकाल सकते, हम फिर इसे 5 से कैरी करवाएंगे, 5 इसे 8 दे देगा, इधर 8 कैरी करवाएगा, तो 8 + 3 आपके पास 11 हो जाएगा और 5 के पास वहाँ पे 4 रह जाएगा, 11 11 में से 7 निकालेंगे आप, फिर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 है, 4 में से आप फिर 6 नहीं निकाल सकते, तो ये इधर से कैरी करेगा, ये इसे 8 कैरी करवाएगा फिर, तो 8 + 4 12 हो जाएगा, 12 में से 6 निकालेंगे यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ पे जब 8 इसने इसे कैरी करा दिया था तो यहाँ 6 रह गया था, तो 6 में से 5 निकाल देंगे आप वहाँ। तो स्टूडेंट ये जो ऊपर मैंने लिखा है ये मैंने इसको समझाने के लिए लिखा, अगर आपको एज इट इज समझ आ रही है तो ऊपर ये वगैरह बना के लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया। मेरे ख्याल में आपको सब्ट्रैक्शन समझ आ गई होगी, दोबारा देखें कि 1 में से नहीं हो सकता था, 1 है 4 इसे 1 नंबर कैरी करवाता है, 8 होता है 8 और 1 9 9 में से 5 निकालते हैं 4, तो 4 ने 1 नंबर कैरी कराया था, यहाँ 3 रह गया था, हमने 1 नंबर इससे कैरी करवाया तो 8 इसने इसे दिया, तो 8 और 3 11 11 में से 7 निकाले फिर 4।
ये इस तरह फैक्टर सिस्टम की आपने सब्ट्रैक्शन की। अब इसी तरह एक पार्ट हम देखते हैं फैक्टर सिस्टम की मल्टीप्लिकेशन का। तो इसमें दो क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन के, मैं एक का पार्ट आपको करवा रहा हूँ, 13 पार्ट है, ध्यान से आपने इसे भी करना है। 4, 6, 7 बेस 8, 4, 6, 7 बेस 8, 5, 6, 7 बेस 8। फ्रेंड्स जरा ध्यान से आपने इस क्वेश्चन को करना है। मल्टीप्लिकेशन में जो 8 या 8 से ग्रेटर नंबर आएंगे आपने उसे फैक्टर में चेंज भी करना है, 5, 0, 7 बेस 8। जब आप मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन में मैं थोड़ा टर्म चेक कर लेता हूँ, 4, 6, 7, 2, 5, 0, 7 बेस 8। तो अब आप देखिए इसे मल्टीप्लाई करें, 7, 2, 14। अब ये 14 बन रहा है, 14 को आप 8 के नाम में चेंज करें, 8 बन रहा है 6। तो आप 6 यहाँ पे लिखें तो ये 1 कैरी कर, 7, 7, 49 + 1, 50। 8 के नाम में इसे चेंज करें, देखें 8, 6 = 48 तो ये बचता है 62। तो 2 यहाँ पे, 6 आपने कैरी कर, 7, 6 = 42। 48 बन गया, 48 को जब आप 8 के निजाम में चेंज करेंगे तो 60 आएगा, तो 0, 6 है। 7, 4 = 28, 28 + 6 = 34 को आप जब चेंज करेंगे, 8, 4 = 32 तो 2 इस करेंगे डायरेक्ट, तो जब आता है 2, 4। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने डिजिट की मल्टीप्लिकेशन कर दी तो ये क्रॉस कर दिया। अब आप 0 की जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 को 2 से किया, 0, 0, 7, 0, 0, 6, 0, 0, 4, 0। तो अब अगला जो डिजिट है तो आपका 5 है, 5 की मल्टीप्लिकेशन करें, 2 डिजिट की आपने कर दी है तो 2 क्रॉस बता दें, 5, 2 = 10। तो अब आप 10 को 8 से निकाल के चेंज करें, 5, 2 = 10, 10 को देखें मैं चेंज कर रहा हूँ, 8 = 8, 2 रिमाइंडर, तो 2 यहाँ पे, 1 कैरी, 5, 7, 35 + 1, 36, तो 8, 4 = 36, सॉरी 8, 4 = 32, तो 4 रिमाइंडर है, 4 और यहाँ पे 4 कैरी करें, 5, 6 + 30 + 4, 34, तो 8, 4 = 32, 2 यहाँ पे और 4 कैरी, 5, 4 + 20 + 4, 24, तो 8 के निजाम में चेंज किया, 8, 3 = 24, 0, 4, 3 कैरी। तो ये अब आपके पास तीनों की मल्टीप्लिकेशन हो गई है। अब आप इसको ऐड करें, देखें 6 का 6 आ गया, 2 का 2 आ गया, यहाँ पे 2 का 2 आ गया, 2 + 4 = 6, 2 + 4 = 6, 0, 3। ये इसके साथ आपसे बेस 8 आ गया। तो चूंकि ये एडिशन है आप लेकिन सारे नंबर 8 से छोटे थे तो हमें इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं पेश आई, तो हमने डायरेक्ट ऐड कर दिया। तो इसी तरह आप यहाँ पे देखें इसका 14th पार्ट टू यूरसेल्फ। या आप करेंगे वो भी इसी तरह मल्टीप्लिकेशन है, एक नंबर ऊपर लिखें दूसरे को नीचे करके आप इसी तरह मल्टीप्लाई करें। अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो उसको देखें, अब आप थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है वो आपके पास है 635 - 2244 बेस 5 -1243 बेस 5 -110 111 बेस 2 और ये ब्रैकेट आपके क्लोज कर सकते हैं। स्टूडेंट इसको हम देखें कैसे करेंगे, अभी तक हमने एक्सरसाइज 3.2 में जो क्वेश्चन जो पढ़े हैं 14 पार्ट तक वो डिफरेंट बेसिक सेम बेसिक्स के आए हैं, बाइनरी में आया या बेस 5 में आया या ऑक्टल में आया। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें यहाँ पे ये चीज ये मेरे शुरू के चैप्टर में, शुरू के जो चैप्टर था हमारा पहला थीम का टॉपिक
प्लस 4 मल्टीप्लाई 5। आपको पता है हर नंबर को आपने उसके डायरेक्ट बेस से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां से आप पावर लगाएंगे कि मेरे काम में आपको मेथड याद आ गया होगा। तो 2 और 5 की पावर 23 5 की पावर 3 125 2 5 की पावर 225 4 5 की पावर 115 और 5 की पावर 01 25 2 50 25 2 50 4 5 are 20 4 1 are 4 इनको आप ऐड कर लें, देखिए 250 प्लस 324। ये इस तरह आपने इसे बेस में चेंज करके अब आपके पास डेसिमल में आ गया। इस तरह अगर आपके पास 1 to 4 3 है इसको भी आप डेसिमल में चेंज करें। 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5। ये बेस 5 था, 1 मल्टीप्लाई 5 2 5 4 5 3 5। तो अब आप यहां पे पावर लाइन 0 1 2 3 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 125 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 25 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 5 3 5 की पावर 0 1। तो ये मल्टीप्लाई करें 125 25 2 50 4 5 20 3 1 3। इसको जब आप ऐड करोगे 125 प्लस 15 175 175 और 23 को अगर आप ऐड करें तो 198। तो स्टूडेंट ये भी हमारे पास डेसिमल में आ गया। अब हमारे पास ये चीज बचती है, इसको भी मैं डेसिमल आपने नीचे स्टेप पर ना यहाँ जगह काम है। अब मैं 1 1 0 1 1 1 बेस 2 इसको चेंज करता हूँ। तो ये देखिए क्या बनेगा, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। काउंट कर रहे हैं दफा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 पावर 10 0 1 2 3 4 5। 2 की पावर 5 आपको पता है 32, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 1 और 2 की पावर 0 1। तो 32 मतलब 32, 16 मतलब 16, 0 8 मतलब 0, 4 मतलब 4, 2 मतलब 2, 1 मतलब 1। इसको सबको ऐड कर लो, 16, 16 for 20, 23 और 32 में ऐड किया 55। तो ये आपके पास सब नंबर्स को मैंने डेसिमल में चेंज कर दिया। अब आप फ्रॉम 1 पे आए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम क्वेश्चन 1, फ्रॉम 1 पे आपको क्वेश्चन दिए हैं, फ्रॉम 1 जिसे आप नंबर 1 बना देते हैं। लेकिन 635 आपके पास पहले से ऑलरेडी डेसिमल में है, 635 माइनस 9 का 2244 को जब आपने बेस 5 में चेंज किया है, डेसिमल में चेंज किया है, 324 लिखे अपनी जगह प्लस 1243 को आपने चेंज किया 198 प्लस 110 इसको चेंज किया तो आपके पास 55। तो स्टूडेंट यहां से अगर आप देखें ये तीन टर्म्स इसमें प्लस किए हैं, 635 198 और 55, इनको आप ऐड कर लें, कैलकुलेटर से यूज करें या बेहतर होगा आप कैलकुलेटर यूज ना करें। 198 और 55 ये तीन टर्म्स इसमें प्लस की हैं, तो मैं ये ऐड कर रहा हूं 888 और माइनस 324, इसमें से 324 आप माइनस कर दें तो आपके पास आंसर आ जाता है 564। तो स्टूडेंट ये आज का आपका टॉपिक है, ये फर्स्ट नेक्स्ट 5 पार्ट्स हमने किए हैं, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, बाकी भी है, उनकी भी आप प्रैक्टिस करें। ये आज का हमारा टॉपिक है, ये लेक्चर हमारा खत्म है। आपको अगर कोई